हेलो एवरीबॉडी, तो चलिए अब सोर्स सी पढ़ते हैं। व्हाई स्पेसेस कैन नॉट बी क्लियर, जगह साफ क्यों नहीं की जा सकती थी। तो आर्थर क्रॉफर्ड को 1865 में बंबई का पहला फर्स्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर बनाया गया था। उन्होंने कई डेंजरस ट्रेड्स यानी कि इनको साउथ बॉम्बे से बाहर रखने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि किस तरह बिल्डर्स और एंटरप्रेन्योर्स जगह के मनमाने ढंग से इस्तेमाल के लिए इंस्पेक्टरों को ब्राइब्स यानी कि घूस देते थे, भले ही उनकी एक्टिविटीज से सिटीज में पोल्यूशन और बढ़ता हो। केशव जी नायक अपने डायर्स को वापस उनके पुराने क्वार्टर्स में ले आया है। मैंने उसे सजा भी दी लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। केशव जी नायक ने पानी की तरह पैसा बढ़ाया। जाने माने डॉक्टरों ने कम से कम कसम खाकर कहा कि डायपिट्स रंगाई करके जो कड़ाव से है उसके सेहत को फायदा होता है। इस घटना को देखकर जर्मनी की एक ताकतवर कंपनी ने भी प्रभा देवी मंदिर के पास स्टीम से रंगाई एक विशाल कंपनी खोल दी। उसका गंदा पानी माहिम बे यानी कि उस खाड़ी में पानी और मिट्टी को गंदा करता था। हद तो ये है कि भइयों, दासों, शैनिवी ब्राह्मणों और तमाम यानी कि पारसियों ने जहां मन किया वहां कॉटन और स्पिनिंग फैक्ट्रीज खोल दिए हैं। मसलन बाइकुला क्लब के पास रेस्कोर्स पर, कमाटीपुरा फोरस रोड पर, खेतवाड़ी में, गिरगांव रोड पर और चौपाटी पर, कहीं पर भी। इस तरह के स्टेटमेंट बयानों को पढ़ते हुए हमें ध्यान रखना है कि कॉलोनियल अफसर अंग्रेजों को ईमानदार और हिंदुस्तानियों को भ्रष्ट यानी कि वो करप्ट बताते थे। अंग्रेजों को पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण और एनवायरनमेंट से प्यार करने वाले, उनकी फिक्र करने वाले, और हिंदुस्तानियों को ऐसे टॉपिक के बारे में बिल्कुल बेपरवाह दिखाए जाते थे। घर के अंदर जगह की कमी के कारण खाना पकाने, कपड़े धोने और सोने के लिए सड़कों और पास पड़ोस के खाली स्थानों का भी इस्तेमाल किया जाता था। जहां खाली जगह मिलती थी शराब की दुकानें और अखाड़े खुल जाते थे। सड़कों का उपयोग अलग अलग तरह की एंटरटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी किया जाता था। 20th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में याद करें तो पार्वती बाई भौर ने बताया कि हमारे चार चौल के बीच एक खुला मैदान था। वहां कभी मैजिशियन यानी कि बाजीगर, कभी मदारी तो कभी कलाबाज अपने करतब दिखाने आते रहते थे। वहीं नंदी बैल को देखने के लिए मजमा बिल्कुल जुटता था, बहुत सारे लोग आते थे। मैं कड़क लक्ष्मी से बहुत डरती थी। जब वो दो रोटी के लिए अपने बदन पर कोड़े बरसाती थी तो मेरी रूह कांप जाती थी। चौलों में ही रोजगार, हड़तालों, दंगे और डेमोन्स्ट्रेशंस के बारे में न्यूज़ के लेन देन का भी काम चलता रहता था। मिलों के आसपास की जो बस्तियां थी उसमें कास्ट और फैमिली के हेडमैन यानी कि मुखिया जैसी हैसियत वो गांव प्रधान रखते थे। कई बार मिल मजदूरों का जॉबर्स यानी कि ठेकेदार ही मोहल्ला का नेता भी होता था। वह जो प्रॉब्लम्स होती थी, कन्फ्लिक्ट होते थे, या उसी में वो फैसला करते थे। खाने पीने का इंतजाम करता था और जरूरत करने पर कर्ज उसकी भी व्यवस्था, लोन भी दे देता था। पॉलिटिकल हालात के बारे में भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियां लाता था। तो डिप्रेस्ड क्लासेस, दबे कुचले जो क्लासेस थे के लोगों के लिए तो मकान का इंतजाम करना और भी मुश्किल था। बहुत सारी चौलों में मुसलमान और निचली जाति के लोगों को नहीं रखा जाता था। उन्हें अक्सर नालीदार चादर और पत्तों या बांस के बने झोपड़ों में रहना पड़ता था। अगर लंदन में टाउन प्लानिंग यानी कि नगर योजना का काम सोशल रिवॉल्यूशन के डर से शुरू हुआ तो बंबई में ये काम प्लेग की एपिडेमिक यानी कि महामारी के डर से हाथों में लिया गया।
1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई और उसे सिटी के बीचों बीच बसे गरीबों के मकानों को हटाने का काम सौंपा गया। इस ट्रस्ट की योजना के कारण 64,000 लोगों को हाउसिंग सुविधा से हाथ धोना पड़ा। उनमें से सिर्फ 14,000 लोगों को ही मकान दिए गए। 1918 में भाड़ों को रीजनेबल तर्कसंगत यानी कि कम लाने के सीमा में रखने के लिए एक रेंट एक्ट बनाया गया, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। किरायों पर अंकुश लगने के कारण मकान मालिकों ने मकान किराए देने कम कर दिया, जिसके कारण मकानों की भारी किल्लत पैदा हो गई। जमीन की कमी के कारण सिटी के विस्तार में से बंबई में हमेशा से ही प्रॉब्लम पैदा हुई। बंबई सिटी जिस तरह डेवलप हुआ उसमें रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट यानी कि भूमि विकास जो प्रोजेक्ट थे उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। फिगर 21 में आप देख सकते हैं 20th सेंचुरी की शुरुआत में कालबा देवी रोड के पास बनाई गई चौल। इस इमारत में जगह का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह किया गया है। न्यू वर्ड्स में हम देखते हैं आखराज, अखाराज एक ट्रेडिशनल रेसलिंग स्कूल, डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि दबे कुचले जो क्लास होते हैं वो, ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्ड जिन्हें जाति व्यवस्था में लोअर क्लास और अनटचेबल्स माना जाता है। रिक्लेमेशन यानी कि जो दलदली और डूबी हुई जमीन को रहने या खेती करने के किसी दूसरे काम में के लिए लायक बना देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं 4.4 लैंड रिक्लेमेशन इन बॉम्बे। क्या आप जानते हैं कि बम्बई जिन 7 आइलैंड्स को मिलाकर बनाया गया उन्हें लंबे टाइम में एक दूसरे से जोड़ा गया था। इस दिशा में सबसे पहली प्रोजेक्ट जो योजना 1784 में शुरू की गई। बम्बई के गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने उस समय ग्रेट सी वॉल बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी ताकि सिटी के निचले इलाके समुद्र के पानी की चपेट में आने से बच जाए। तब से कई रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट चलाई जा चुकी है 19 सेंचुरी के बीच में कमर्शियल स्पेस के लिए, और ज्यादा जमीन की जरूरत पैदा हुई तो सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों की ओर से कई नई प्रोजेक्ट तैयार की गई ताकि ज्यादा समुद्री लैंड को इस्तेमाल किया जा सके। प्राइवेट कंपनीज भी जोखिम उठाने के लिए तैयार थी। 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक के वेस्टर्न फोरशोर तक डेवलप कराने का ठेका बैक बे रिक्लेमेशन कंपनी को मिला। लैंड को डेवलप के लिए अक्सर बंबई के आसपास के पहाड़ी इलाकों को भी सपाट कर दिया जाता था। भारी लागत के कारण 1870 तक ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां बंद हो चुकी थी, लेकिन तब तक सिटी का जो एरिया था वो 22 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ चुका था। 20th सेंचुरी में जिस तरह पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, जमीन के हर टुकड़े को घेर लिया गया था, ज्यादा से ज्यादा समुद्री जमीन को डेवलप किया जाने लगा। एक सक्सेसफुल रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक ड्राई डॉक का निर्माण किया गया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकर बेलैड्स एस्टेट बना डाला। इसके बाद बम्बई का मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया था।